जगदीशपुर अंचल कार्यालय में दाखिल खारिज आदि के नाम पर हजारों नहीं लाखों की मांग की जा रही है और लोग विवश होकर देने को मजबूर हैं। लोगों को अधिकारी और कर्मचारी इतना अधिक दौड़ाते हैं कि उनके पास पैसे देने के सिवा कोई चारा नहीं बचता। इसके बावजूद भी उनका काम हो जाए, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इसका उदाहरण उस समय देखने को मिला जब जगदीशपुर प्रखंड कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील तिवारी ने अंचल कार्यालय में सीओ पर आरोप लगाया कि उन्होंने उनसे म्यूटेशन के नाम पर 1.5 लाख की मांग की और 1 लाख ले लिए और 50,000 और मांग रहे हैं, पैसे नहीं देने पर अब उनका काम नहीं हुआ है। वहीं अब जबकि सीओ को वरीय अधिकारी द्वारा निलंबित किया जा चुका है, ऐसे में उनका काम वो तो नहीं कर पाएंगे। यही सोचकर सुनील तिवारी उनसे अपने पैसे की मांग करने पहुंच गए। काफी हो हंगामा अंचल कार्यालय में देर तक होते रहा। सीओ ने स्पष्ट कहा कि मैंने पैसा नहीं लिया है, लेकिन जिस तरह अंचल कार्यालय में पैसे ले देकर काम किए जाते हैं और नहीं देने पर लापरवाही बरती जाती है, ऐसे में सच्चाई का पता तो वरीय अधिकारी ही लगाएंगे। बहरहाल अंचल अधिकारी के कारनामे से जगदीशपुर की जनता त्रस्त है, आम लोग परेशान है। कई लोगों ने कहा कि यहाँ दाखिल खारिज के नाम पर सिर्फ बरगलाया जाता है और लोगों को परेशान किया जाता है और बैक डोर से पैसे की मांग की जाती है। अरे आप तो जगह दीजिएगा, आप अपने कर्म से जा रहे हैं, आप अपने कर्म से जा रहे हैं। जो पैसा लिए हैं वापस करके जाइएगा, मेरा पैसा दिया दिए संपेक्षक घर में कर देंगे और सर्किट हाउस से जा रहे हल्ला हम नीतीश कुमार के जनता दरबार में जाके कर देंगे। पैसा लेके काम नहीं करते सीओ है और कहते हल्ला की जय। अभी भी पैसा पक गया है एकदम से, आप लोग सभा में हलबला दिए हैं, सरकार कितना एक्टिव है आप देख रहे हैं और आप लोग चूस चूस रहे पकड़ के आम जनता को चूस रहे हैं। मेरे जैसे आदमी का काम नहीं होता है, ये जनता का क्या होगा काम? और समझते हैं कुछ बढ़िया कार्रवाई सरकार ने किया है, लेकर के काम नहीं करते हैं, नहीं करेंगे भ्रष्टाचार। अरे क्या कीजिएगा? अरे उन्नीस सौ इक्यासी से कांग्रेस का मैं मेंबर रहा हूं। पब्लिक के काम के लिए आना जाना लगा रहता है आम जनता का। आपका सही मोटेशन हो तो भी पैसा, गलत मोटेशन है तो लाख से नीचे का सौदा ये सीओ नहीं करते हैं। मेरा व्यक्तिगत मोटेशन है और 1 लाख रुपया इन्होंने ले लिया। 2 मोटेशन मेरा व्यक्तिगत था, 1 मेरे चचेरे भाई का था, ट्रांसफ़र वाला मोटेशन था, भयारी हम लोग ट्रांसफ़र किए थे। तो ये बोले पहले कि 1 लाख में तीनों हम कर देंगे, तीनों हमने फाइल किया। 1 करने के बाद 2 इन्होंने पेंडिंग रखा, बोला कि 1.5 लाख रुपया दीजिए, 50,000 और तो मैं निकालूंगा, 50,000 एक मोटेशन का लगेगा, हमके पैसा वापस कर दीजिए। 2 पिटिशन तो मेरा रिजेक्ट कर दिए मोटेशन का और पैसा रखे हुए हैं, पैसा वापस नहीं कर रहे हैं। बताइए ऐसे पदाधिकारी को क्या किया जाएगी। मेरा मामला है कि हम 3 दिन से परेशान है, जमीन का रसीद निकलवाना चाहते हैं दादाजी के नाम से और केस नंबर भी अभी मांग रहे हैं तो कोई ध्यान नहीं दे रहा है। रोज हमको यहाँ बहला रहे हैं, आज कहते हैं ये नहीं आया है वो नहीं आया है, इसलिए हम बौख रहे हैं। हम नीतीश कुमार का आदमी है, हम नल जल का सेवा करते हैं, पानी चलाते हैं दुर्गा मंदिर में, 6 नंबर वार्ड के हम आदमी हैं। भागलपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में शुक्रवार की शाम क्रिकेट खेलने के दौरान 2 गुटों में मारपीट हो गई, जिसमें 1 गुट ने दूसरे गुट के चौका निवासी नकुल कुमार के पिता प्रहलाद कुमार को पटरा से मार दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। प्रहलाद मंडल किसान था और चाय दुकान चलाता था। मारपीट करने वाले युवकों ने प्रहलाद मंडल के बेटे नकुल को भी मारपीट कर जख्मी कर दिया। घटना की जानकारी पाकर सिटी एसपी पूरन झा, 0 माइल थानेदार राजकुमार प्रसाद मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रहे हैं। वहीं पुलिस आरोपी युवकों की तलाश में छापेमारी कर रही है।
भागलपुर रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले नक्सली नंदन मंडल को एसटीएफ एसपी अभियान की टीम ने बरियारपुर थाना क्षेत्र के चिरैयाबाद से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार नक्सली के पास से एक पिस्टल, दो जिंदा कारतूस और एक लीटर पैड बरामद किया गया है। वहीं एसपी अभियान राजकुमार राज ने बताया, नक्सली नंदन मंडल की निशानदेही पर ऋषिकुंड जंगल से एक थैली को बरामद किया गया। थैली में से एक पिस्टल, दो जिंदा कारतूस और एक लीटर पैड बरामद किया गया है। एडिशनल एसपी ने बताया कि नंदन मंडल कई घटनाओं को अंजाम देने वाला था, जैसे मुंगेर किला, जमालपुर सुरंग, भागलपुर सुरंग जैसी घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में था। वहीं नक्सली नंदन मंडल ने बताया कि हम लगभग 2 साल से नक्सली संगठन से जुड़े हुए हैं। संगठन को विस्तार करने में मदद देना, युवाओं को भर्ती करना, उसे प्रलोभन देना और उसे जंगल में भेजना और उसके साथ ही रैकी करना, रेलवे सुरंग की रैकी करना, जमालपुर स्टेशन की भी रैकी कर चुका था यह, और मुंगेर किला की बात कर ही रहा है, और डाइवर्ट करने के लिए भागलपुर स्टेशन उड़ाने की बात करी ताकि हम लोग उधर मूव करें और इधर ये रेलवे सुरंग और ये जमालपुर स्टेशन पर घटना को अंजाम दे सकें। बरियारपुर से उड़ाने की धमकी दी जाएगी, गया है तो वही ये गया है, नहीं बोलते सर मेरे मुँह से निकल गया कि उड़ा दिया जाएगा, ऐसे ही मेरे मुँह से निकल गया था। किसको बोला था? मेरे साले। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? कुछ तो तुम्हारा साला नक्सली में है? जी नहीं सर, वो काम करने गया तो मैंने उसे मस्ती में बोला था। अच्छा जी सर, ये बरियारपुर ट्रेन उड़ाने की जी। कितने दिन से नक्सली में जुड़े हुए हो तुम? बस ये 2 महीने। क्या क्या करते थे उसमें तुम? कुछ भी नहीं सर, बस इसे हम एक बार उसके पास गए हैं वहाँ लेके, उसके बाद फिर आदमी का वो पहुंचाने का हमको काम दे दिया था, लेकिन हम यहाँ पर रहते नहीं है सर। भागलपुर रेलवे स्टेशन के पश्चिमी गेट के सामने अवैध रूप से चल रहे टेम्पो स्टैंड के कारण हमेशा स्टेशन चौक से लेकर तातारपुर चौक, कोतवाली चौक और लोहिया पुल तक जाम की समस्या से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिस कारण उस रास्ते से होकर गुजरने वाले लोगों को महज 100 मीटर की दूरी तय करने में आधे घंटे का समय लग जाता है, जबकि वो टेम्पो स्टैंड रेल पुलिस, तातारपुर थाना और ट्रैफिक थाने के साहब की देखरेख में चलता है। इसलिए अवैध स्टैंड होते हुए भी यह स्टैंड धड़ल्ले से चल रहा है और इसे रोकने वाला कोई नहीं है। आखिर ऐसी क्या बात है कि स्टैंड अवैध होते हुए भी भागलपुर जिले के 3 थानों के नाक के सामने धरने से यह चल रहा है। वहीं इस पूरे प्रकरण पर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा कि पुलिस अवैध उगाही में लगी हुई है, लोगों की परेशानियों से पुलिस को कोई मतलब नहीं रह गया है। और वहाँ पे थाना के पुलिस पदाधिकारी उसे पैसा लेके जाम लगवा रहे हैं, वहाँ नजायज कोई टेम्पो स्टैंड नहीं है, वहाँ इस तरह से खाली पुलिस कमाने का हरकत कर रही है और पूरा शहर जाम करके रखे हैं। अगर पुलिस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं की गई, खास करके जो एसएसपी है यहाँ पर, वो कुछ नहीं देख रही है, सिर्फ पुलिस लूट रहा है पैसा जनता से, त्राईमाम में जनता है, ये टेम्पो वाले पर नजायज तरीके से पैसा लेके आप चलवाने का और शहर को जाम करने का करते हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए उस पुलिस अधिकारी पे। बिहार के राजस्व मंत्री सह भागलपुर जिले के प्रभारी मंत्री राम सूरत राय ने गुरुवार देर शाम को बिहपुर व खरीक प्रखंड की सीमा पर स्थित लत्तीपुर नरकटिया जमींदारी तटबंध का निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री ने क्षेत्रीय विधायक इंजीनियर शैलेंद्र, फ्लड कंट्रोल नवछिया के कार्यपालक अभियंता अनिल कुमार व सोनबरसा के अजय कुमार उर्फ लाली कुंवर से तटबंध के बारे में जानकारी ली। निरीक्षण के बाद मंत्री ने कहा कि वे इस तटबंध के अस्थायी सुरक्षा के लिए सीएमओ जल संसाधन मंत्री से बात करेंगे। वहीं नरकटिया के पास ही उपधारा पर इलाके के किसानों के द्वारा मंत्री से एक पुल बनवा देने की मांग की गई। इस पर मंत्री ने कहा कि नदी की चौड़ाई अधिक होने के कारण पुल बनना मुश्किल है। मंत्री ने कटाव से विस्थापितों के पुनर्वास के सवाल पर कहा कि सरकार विस्थापितों के पुनर्वास के लिए गंभीर है, जहां सरकारी जमीन नहीं है वहां निजी रैयत की जमीन खरीद कर विस्थापितों के पुनर्वास कराने की पहल पूरे राज्य में जारी है। जहां जहां कटाव हो रहा है, हमने आदेश भी दिया था और हमारे विभाग के पदाधिकारियों ने अच्छा काम भी किया है, और अभी नरकटिया गांव, नरकटिया बांध पे जमींदारी बांध में मैं खड़ा हूँ, देखने से ये पता चलता है कि यहाँ परमानेंट सोल्यूशन की आवश्यकता है, और लगभग इसमें पिछले 19 में भी कुछ काम कराए गए हैं, इस पर भी काम कराया गया है। तो मैं अब जाने के बाद माननीय जल संसाधन मंत्री जी से आग्रह करूंगा, मुख्यमंत्री जी से, कि यहाँ पर परमानेंट सोल्यूशन, ये सालों साल जो पैसा उगाही होता है और खर्च होता है ये न हो, इसमें बांध को नए सिरे से बांध करके, मजबूत करके और बोल्डर पीचिंग करके, ब्रैकेटिंग करके इस कटाव को परमानेंट बचाया जाए, ऐसा वैकल्पिक व्यवस्था मैं यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए करूँगा। ये चौड़ाई इसकी बहुत अधिक है, संभवतः माननीय विधायक जी लिख के देंगे, प्रयास किया जाएगा, लेकिन मुझे उम्मीद कम लगता है
और वहाँ बांस नहीं है, जोत की जमीन है, उसके लिए कुछ ऐसा अप्रोच बनवा दे जिससे कि लोगों को खेती करने में सुविधा हो, दो तीन महीना न चले लेकिन एक लचका टाइप का जो डाइवर्सन होता है जी जी। वो मैं प्रयास करूंगा और मानिए हम, क्योंकि ये सेम क्षेत्र हमारा भी है और मेरे यहाँ बागमती का जो 3 किलोमीटर बांध बना हुआ है और बीच में मेन धारा है, साइड से उपधारा है, तो हमने भी वही प्रयास किया है कि धारा बंद हो जाए लेकिन ये गंगा का धारा बहुत बड़ा उपधारा है तो पानी कम होकर के भी एक छोटा सा मतलब डाउन लेवल में बन जाए, सिर्फ ट्रैक्टर और बैलगाड़ी वगैरह निकल जाए, खेती हो जाए, इसका व्यवस्था हम कर रहे हैं। जगदीशपुर अंचल कार्यालय में समय से ऑनलाइन म्यूटेशन, सुनवाई, परिमार्जन, दाखिल खारिज आदि की कार्रवाई न होने के कारण जगदीशपुर सीओ को वरीय अधिकारियों द्वारा निलंबित कर दिया गया है, जिसकी जांच के लिए जिला स्तर पर टीम का गठन किया गया और शुक्रवार को बांका एडीएम माधव कुमार सिंह एवं भागलपुर जिले के DCLR गिरजेश कुमार द्वारा अंचल कार्यालय में विभिन्न कार्यों की समीक्षा की गई और उनके कार्यकाल में लिए गए कामों को देखा गया। वरीय अधिकारी के पहुंचने पर दिन भर अंचल कार्यालय में गहमागहमी का दौर बना रहा। प्राप्त जानकारी के अनुसार देर शाम तक बांका एडीएम के द्वारा जांच कमेटी द्वारा जांच की जा रही थी। आपको बताते चले, अंचल कार्यालय में अंचलाधिकारी पर प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष सुनील तिवारी द्वारा आरोप लगाया गया है कि म्यूटेशन के नाम पर सीओ ने उससे 1,00,000 रुपये ले लिए हैं। भागलपुर स्मार्ट सिटी के नाथनगर स्थित वार्ड नंबर 12 पासी टोला रतन बाबा स्थान के लोगों को जल जमाव के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बरसात का पानी गली में जमा होने के कारण लोगों को आवाजाही करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और घर से लोगों को निकलने पर गली में जमे गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है, जिसमें हरे रंग की काई भी साफ नजर आती है। मोहल्ले के लोगों का कहना है कि 2017 से ही यह समस्या यहाँ पर हो रही है, जिसको लेकर नगर निगम से लेकर जिला प्रशासन तक इसका निदान निकालने के लिए कई बार शिकायतें की गई लेकिन इसका हल आज तक नहीं निकल पाया। 3 महीना से 2 महीना जो पानी है सर, खाना पीना का तकलीफ है, पीना पानी आने का साधन नहीं है, सब चीज न नमक है न तेल है न कुछ है, सब बच्चा नहीं बीमार पड़ गया सर, न बकरा बकरी का खानी है, गाय माल सब पहुँचा दिए दूसरा जगह, क्या करें, इतना तकलीफ है घर में, दिन रात रो ना पता चलो घर में पानी है डूबा हुआ, सब जा करके सब बाल बच्चा ना को बेटा प्रदेश को महा। ये समस्या 2017 से ही समस्या है, पानी के जो है एक बार पूरा पानी भरा हुआ था जिसमें 18 में रोड जाम किया गया था, उस पर कुछ नगर आयुक्त जो है कुछ निदान किया गया था और पार्षद मिल करके कि थोड़ा पानी निकासी हम इसका निकाल देंगे, उसके बाद जो है फिर 2019 और 2020 ठीक रहा। ये जो जैन मंदिर वाला जो नाला जो बन रहा है उस नाले का पानी जो है इधर जो है रतनवा स्थान की तरफ वो गिरा दिया है। जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा 7 अगस्त को पूरे बिहार में कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, जिसकी सफलता को लेकर राजद के द्वारा स्थानीय होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिला प्रभारी इंजीनियर अशोक यादव ने बताया कि राजद सुप्रीमो लालू यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के निर्देश पर पूरे देश में जातीय जनगणना कराए जाने की मांग को लेकर पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री के नाम का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा जाएगा। इस दौरान राजद नेता ने बताया कि एक तरफ प्रधानमंत्री खुद को पिछड़े समाज से आने की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर वो जातिगत जनगणना कराए जाने से पीछे हट रहे हैं, जबकि हम सब की मांग है कि जनगणना के अनुसार सत्ता और सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राजद के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव, सुनील कुमार सिंह, चक्रपाणी हिमांशु सहित कई राजद कार्यकर्ता मौजूद थे।